काफ़ी बार आपने कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की न्यूज़ रिपोर्ट वीडियोस में देखा होगा कि एक ही ब्रांड की गाड़ियाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगी, भले ही वो डेजर्ट्स में हो या किसी और हार्श टेरेंस में। आपको काफ़ी बार टोयोटा की हाइलक्स पिकअप ट्रक दिखेगी या फिर लैंड क्रूजर गाड़ी आपको दिखेगी। टोयोटा इज द ट्रक दैट जिहादिस्ट चूज व्हेन दे वांट टू गो टू वॉर। तो क्या रीज़न है कि टेररिस्ट को सिर्फ यही गाड़ियाँ पसंद है? इनफैक्ट ये कोई नई बात नहीं है। 1980s में देर वॉज अ लिटरली वॉर कॉल्ड द टोयोटा वॉर, जो चैड और लिबिया के बीच में हुआ था। एंड नॉट जस्ट टेररिस्ट्स बट इवन ह्यूमैनिटेरियन मिशंस वाले लोग जो रेस्क्यू करते हैं, वो लोग भी मोस्टली आपको टोयोटा की ही गाड़ियाँ यूज करते हुए दिखेंगे। एंड इनफैक्ट इंडिया में भी पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज पागल है लैंड क्रूजर्स और बाकी टोयोटा की गाड़ियों के लिए, जबकि वो रेंज रोवर या कोई और लग्जरी गाड़ी आराम से अफोर्ड कर सकते हैं जिसमें उनको ज़्यादा फीचर और ज़्यादा इक्विपमेंट भी मिलेगा। तो फिर क्यों ये सब लोग टोयोटा के पीछे पड़े हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो इसका पहला और स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न है बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी। टोयोटा की गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है। ऐसा इसलिए है कि काफ़ी बार ये जो आप हाइलक्स पिकअप ट्रक्स या फिर लैंड क्रूजर गाड़ी देख लेते हो, काफ़ी हद तक बेयर बोन्स गाड़ियाँ होती है। इनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स लेट्स से एडास वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, जो बाकी रेंज रोवर या किसी और लग्जरी ब्रांड की गाड़ियों में आपको आराम से मिल जाएंगे। बिकॉज ये गाड़ियाँ काफ़ी सिंपल और मैकेनिकल होती है, तो इन्हें रिपेयर करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। और इनकी इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है हर तरफ कि हर मैकेनिक को पता होता है कि कैसे टोयोटा की कोई भी गाड़ी को आराम से रिपेयर करना है। तो जब भी मिलिटेंट्स को किसी हार्श कंडीशंस में जाना होता है, तो दे वांट देयर कार्स एंड देयर ट्रक्स टू बी वेरी मच रिलायबल। जैसे आप आज की भी कोई इंडिया में मिलने वाली फॉर्च्यूनर देख लो, उसमें मिलने वाले फीचर्स आपको बहुत कम लगेंगे, उसका पूरा इक्विपमेंट का लिस्ट आपको बहुत बेयर मिनिमम लगेगा। इवन द हाइलक्स पिकअप ट्रक इज वेरी सिंपलिस्टिक। हाँ, आपको रेंज रोवर जैसी लग्जरीज गाड़ियों में बहुत हाई लेवल का इक्विपमेंट और फीचर्स मिल जाएंगे और जो ऑफ रोडिंग के लिए भी बहुत कैपेबल होती है, लेकिन रेंज रोवर इज वन ऑफ द मोस्ट अनरिलायबल ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज उनमें इतना भर भर के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विपमेंट यूज है, तो इसलिए हमेशा रिलायबिलिटी के मामले में हमेशा पीछे छूट जाता है। एंड बिकॉज ऑफ बींग सो सिंपल एंड रिलायबल, टोयोटा हाइलक्स इज ऑल्सो नोन एज द AK-47 ऑफ ट्रक्स। इनफैक्ट टॉप गियर का तो इस पर एक बहुत स्पेशल एपिसोड भी है, विच इज अ मस्ट वॉच, जहाँ पे वो टोयोटा हाइलक्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसे बिल्डिंग से गिराते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी गाड़ी एकदम टकाटक चलती है। दैट शोज हाउ रिलायबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल दीज कार्स आर। और टोयोटा का पूरा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, हर जगह उनके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे, तो इसलिए ये गाड़ियों को सोर्स करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। काफ़ी बार तो टेररिस्ट इन गाड़ियों को चुरा लेते हैं या फिर स्मगल कर लेते हैं, बट इट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड दीज कार एवरीवेयर। एंड सिंस दीज कार्स आर एवरीवेयर, उनके पार्ट्स मिलना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे अभी इंडिया में फॉर्च्यूनर के साथ साथ एक एंडेवर यूज टू बी अ वेरी बिग राइवल, और फोर्ड की एंडेवर फॉर्च्यूनर से काफ़ी हद तक एक बेटर कार हुआ करती थी, लेकिन फिर भी लोग फॉर्च्यूनर के इतने दीवाने क्यों थे? बिकॉज इट्स वेरी ईजी एंड चीप टू मेंटेन। अगर एंडेवर का कोई पार्ट रिप्लेस करना है या कोई चेंज करना है मैकेनिकली, तो बहुत मोटा खर्चा आता था, बट एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ फॉर्च्यूनर में चेंज करना है तो आप फटाक से चेंज करके निकल सकते हो, यही बात है। तो यही लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस काफ़ी लोगों को पसंद आता है, एंड द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स इज अ वेरी बिग थिंग। एकदम वॉर टोन एरियाज ले लो या इंडिया ले लो, इनमें एक सिमिलैरिटी है कि वहाँ पर रोड अच्छे होंगे इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए ऐसी गाड़ी जो आपको कहीं पर भी बंद ना हो जाए, कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम ना दे, फटाक से आप निकल जाओ, ऐसी गाड़ी किसे नहीं चाहिए होगी। ये गाड़ियाँ इतनी आसानी से टेररिस्ट के हाथों में पहुंच जाती है कि एक बार US गवर्नमेंट ने भी खुद टोयोटा को पूछा था कि भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हारी गाड़ियाँ इतनी टेररिस्ट के पास क्यों जा रही है? तो टोयोटा ने सिंपली कहा था कि एक बार गाड़ी डीलरशिप के बाहर निकलती है तो उसमें क्या होता है, चोरी होता है, स्मगल होता है, वी कांट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट, एंड जस्ट आवर कार्स आर सो गुड। अ टोयोटा ऑफिशियल टेल्स CNN द ऑटोमेकर डज नॉट नो हाउ ISIS ऑब्टेन्ड ऑल ऑफ दोस व्हीकल्स एंड सेज इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी ऑटोमेकर टू कंप्लीटली कंट्रोल हाउ मेनी व्हीकल्स आर स्टोलन और रीसोल्ड बाय थर्ड पार्टी। और सिंस हर मैकेनिक को इन गाड़ियों के बारे में पता होता है, तो इन गाड़ियों को मॉडिफाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। काफ़ी आपने ट्रक्स देखे होंगे जिनके ऊपर मिसाइल्स इवन गन्स आप आसानी से माउंट कर लेते हो। यू कैन पुट प्रीटी मच एनी वेपन सिस्टम फ्रॉम यू नो फ्रॉम काइंड ऑफ अ ग्रेनेड लॉन्चर टू टू अ यू नो अ मशीन गन, दे आर इजीली मॉडिफाइड सो यू कैन माउंट इक्विपमेंट ऑन द बैक।
और सिंस इन गाड़ियों पे काम करना इतना आसान है, हर मैकेनिक जानता है, तो इन गाड़ियों को मॉडिफाई करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। इनकी पावर बढ़ाना, इन्हें ट्यून करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। जैसे 1987 में लिबिया और चैड के बीच में वॉर हुआ था, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ टोयोटा वॉर, बिकॉज चैड ने पूरे टोयोटा हाइलक्स की एक आर्मी बना ली थी, एक फ्लीट बना ली थी, उस पर ही रॉकेट लॉन्चर्स एंड गन्स माउंट करके उन्होंने पूरा मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट ऑफ लिबिया को काफ़ी हद तक टक्कर दे दी थी। और आपको इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज इन गाड़ियों का यूज़ करते हुए दिख जाएंगे बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी। एंड ऑल्सो एक फैक्ट है कि ये गाड़ी आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो आराम से, और ये गाड़ियाँ ज़्यादा अटेंशन सीक नहीं करती है। लेट्स से अगर आप कोई रेंज रोवर या रोल्स रॉयस में जाते हो तो काफ़ी पब्लिक आपके ऊपर अटेंशन देगी, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्राउड जमा हो सकता है, तो यही सब अवॉइड करने के लिए और डिस्क्रीटली और कंफर्टेबली ट्रैवल करने के लिए लोग आपको टोयोटा की गाड़ी में जाते हुए आराम से दिख जाएंगे। तो बस यार यही सब रीजंस है, जैसे कि बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी, इजी मेंटेनेंस एंड मॉडिफिकेशन, और एकदम चीप अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स जो इन गाड़ियों को इतना हाई डिमांड में रखते हैं। भले ही फिर आपको रॉकेट लॉन्चर्स ले जाने हो, या सेलिब्रिटीज को ट्रैवल कराना हो, या पॉलिटिशियंस के साथ आपको रैली में जाना हो, दीज कार्स हैव ऑलवेज प्रूवन देयर मेटल थ्रू आउट द हिस्ट्री। लेट मी नो योर थॉट्स, और क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से टोयोटा की गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलर है इन सब कैटेगरी के लोगों में, और क्या लगता है आपको कि कोई और ब्रांड इस लेवल का रेपुटेशन कभी बना पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।